अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैरियत होंगे, जबरदस्त होंगे। दो मिनट तो बॉयज थोड़ा इग्नोर करना, बालों वालों को बड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल बनते ही नहीं है मुझसे अभी। खैर आज के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग जा रहे हैं फिर से डबल रोड, और डबल रोड जाने के काम कुछ ऐसे हैं कि यार गाड़ी का ट्यूनिंग करवानी बाय रोड जब से आए, उसके बाद गाड़ी सेल्फ में थोड़ा सा इशू कर रही थी क्योंकि खाम खा ट्यूनिंग मांगती गाड़ी। गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए लेके जाना है और अभी देखना है कि आज ट्यूनिंग हो सकते नहीं क्योंकि अभी पहले ही 3:30 बज चुके हैं दोपहर के, तो अगर ज़्यादा टाइम लगा तो ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे। उसके अलावा ऑयल चेंज करवाना है और गाड़ी की अलाइनमेंट थोड़ी सा आउट, अलाइनमेंट में चेक करा देता हूँ। अभी गाड़ी सीधी चल रही है और उसका स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये तब हुआ था जब मैंने लास्ट टाइम रिम्स एंड टायर्स डाले थे, तो उसके बाद से गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हुई थी, तो ये करवानी है। और गाड़ी की जो वो है शॉक्स हैं गाड़ी की, गाड़ी थोड़ी भी हाइटेड है तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी थोड़ी सी नीचे करवाऊँ बिठाऊँ ताकि खूबसूरत लगे। तो अभी चल के गाड़ी की जो स्प्रिंग्स हैं वो थोड़े से कटवा के नीचे करते हैं या कोई और ऑप्शन कर देखते हैं जिससे गाड़ी थोड़ी नीचे हो जाए और स्प्रिंग भी ना कटें गाड़ी के। तो खैर अभी चलते हैं डबल रोड, अभी मैं जा रहा हूँ हसन को लेने, तो हसन को उठाते हैं और सीधा निकलते हैं डबल रोड, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बस ये थोड़ा सा बीमार है, इसको इग्नोर करना, इधर दिखाओ अपना मुंह तो। बेड़ा वर्क हुआ है। अच्छा अच्छा बॉयज़ एक चम हो गया हम लोगों के साथ, उसमें ये कि मुझे पता नहीं था गाड़ी में गुटके डले हुए, मैंने कहा बैठवाना है तो गाड़ी की ओरिजिनल हाइट से गाड़ी ऊपर की हुई गुटके बिठा के जिस ऑनर से लिए गाड़ी, तो अभी गुटके निकालेंगे तो गाड़ी अपनी ओरिजिनल हाइट पर आ जाएगी और बैठ जाएगी काफ़ी तो अच्छी, लेकिन 2 इंच के गुटके तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी वही गुटके निकाल रहे हैं तो मैं इस बात पर काफ़ी हैरान हुआ था कि गुटके लगे, मुझे जब लग रहा था कि नहीं है गाड़ी ऊपर हुई हुई स्प्रिंग की वजह से। अभी देखते हैं गुटके लगे ठीक हो गया। ये गुटका था इसका, ये गुटकी होता तो जबकि मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि गाड़ी अलग है, गुटकों में स्टिफ होती है लेकिन गाड़ी स्टिफ भी नहीं थी। अभी बस स्प्रिंग वापस फिट करें, गुटका निकाल के इस तरफ से भी अभी निकालेंगे सर ये गाड़ी का स्प्रिंग, गुटका निकल गया, ये दूसरी तरफ का गुटका था, अभी वापसी शॉक लगा रहे हैं। बस दोनों तरफ से शॉक्स निकाले और काफ़ी गाड़ी पे फर्क आ गया, बैक से काफ़ी गाड़ी डाउन हो चुकी है और इस तरफ से भी पहले काफ़ी गैप था, अभी ये सिर्फ 3 उंगलियों का गैप रह गया इधर। बॉयज़ अभी हम लोग इधर से फारिग हो गए, गुटके निकाल लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने, लेट्स गो। गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं और ट्यूनिंग के लिए देखते हैं, अगर टाइम है आज हो जाती है 1-2 घंटे में तो ठीक है, वरना गाड़ी को फिर किसी और दिन लाना पड़ेगा क्योंकि ट्यूनिंग का काम लंबा होता है, 1-2 घंटे में नहीं होगा और मैकेनिक्स पास वैसे भी रश होते हैं। खैर यहाँ से तो फारिग हो गए, अभी निकलते हैं, गाड़ी की अलाइनमेंट का भी करना है और गाड़ी का ऑयल का भी करना है। बॉयज़ अभी हम लोग अलाइनमेंट के लिए लेकर आए, वो सामने अलाइनमेंट वाला है, ये अभी ये वाली गाड़ी जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग की गाड़ी अलाइनमेंट के लिए जाएगी। गाड़ी की ऑयल के लिए गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था तो साथ कह रहे थे कि गाड़ी का अलाइनमेंट जब तक करवा के लिया फिर उसके बाद ऑयल चेंज करते हैं। ट्यूनिंग की बात क्यों कह रहे हैं, ट्यूनिंग में तो अभी तो नहीं होगी, टाइम लगेगा, तो गाड़ी आप कल के दिन या फिर किसी छुट्टी के दिन सुबह लेकर आओ, फिर कुछ होगा उसका, फिर आज बारे को गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते चल। बॉयज़ गाड़ी ला के यहाँ खड़ी कर दी, बस अभी ऑयल चेंज होएगा इसका, उसके बाद जाके गाड़ी के आगे वाला जो फ्रंट विंड स्क्रीन है वो भी टिंट करवानी ब्लैक में, और नंबर प्लेट एक बनवाना है गाड़ी के लिए पिछला फैंसी, फिर उसके बाद गाड़ी अंदर सर्विस कराएंगे, बस छोटे मोटे काम है, यहाँ से ऑयल चेंज करवा के निकलते हैं। ये हाल है भाई गाड़ी की ऑयल चेंज, गाड़ी की इंजन में ऑयल ही नहीं था, वो बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा
खत्म हो गया। ऐसे लग रहा है कि गाड़ी 20 साल से चेंज ही नहीं किया हुआ गाड़ी का। तमका ये पंजाब जाने से पहले चेंज कराया था, 20 दिन बाद अभी ये हाल हो रहा है गाड़ी का। अभी पहले वो कह रहे हैं रानी मंगवा के गाड़ी को वॉश करेंगे, उसके बाद फिर ऑयल डालेंगे, वरना ख़राब हो जाएगा ऑयल नया वाला भी। बहुत बड़ी मिस्टेक की हमारी हम लोग। ये वाला ईरानी है, ये वॉश करने के लिए ईरानी डाल रहे हैं, उसके बाद ओरिजिनल वाला डालेंगे। बाकी फारिग हो गए थे, अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, अभी बस जाना है गाड़ी के पेपर वर्क के लिए, बस पेपर वर्क मतलब ये रैप करवाने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह फ्री है, उसके बाद सीधा चलते हैं हम लोग सर्विस कराने गाड़ी, और बस एक दो काम रह गए हम लोगों के, बाकी काम ज़बरदस्त हो गया। अलाइनमेंट हो गई और गाड़ी के पीछे से गुटके निकाल दिए और गाड़ी का ऑयल चेंज हो गया, तीन काम हो गए, दो रह गए और उसके लिए बस हम लोग भी चलते हैं। शीशे ये सारा गाड़ी का रैप करवाना ब्लैक कलर में, तो अभी आए देखते हैं। अच्छा बॉयज़, एक एंटीना भी पसंद किया था गाड़ी के लिए, ये एंटीना भी लगा रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा भी हो जाता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है हर तरह से, ये एंटीना भी लगवा रहे हैं। और बाकी अंदर नंबर प्लेट भी बनने के लिए थे, नंबर प्लेट भी बन रहा है, शीशा अंदर से ब्लैक करें, बाहर से उसका नाप लिया था। बॉयज़ ये गाड़ी पे एंटीना लगवाया, ये ब्लू कलर की लाइट जल रही, पार्किंग के साथ कनेक्शन दिया है इसका, और कुछ इस तरह की लुक्स दे रही है गाड़ी आगे से भी, अच्छा लग रहा है एंटीना। और ये एडजस्टेबल है, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है एंटीना, और मतलब जिस तरह आपने एडजस्ट करना है उस तरह भी हो सकता है। सबसे ऊंची हाइट इसकी थी, अच्छा लग रहा है। आगे वाला पेपर भी हो गया, गाड़ी फुल डार्क हो गई, अच्छा सारे गाड़ी के पेपर इस टाइम डार्क हो चुके हैं, और बस अभी नंबर प्लेट बन रहा है, नंबर प्लेट बनवा के गाड़ी वॉश करें। अच्छा गाड़ी के चक्रों में खाना पीना भूल गए, भूख लग रही, कुछ खाते भी हैं साथ, आगे छोटे मोटे काम है, थक गए आप तो। नंबर प्लेट बनवाई थी, वो भी भाई आ गए, वो फिट करें, बस यही लास्ट काम है। सर्विस आज करवानी, तो सर्विस स्टेशन बंद है, कह रहे पानी नहीं है, सर्विस फिर अगर लेट हो गया तो फिर करवा लेंगे, वरना घर के पास है सर्विस स्टेशन, वहाँ से करवाते हैं। भूख शदीद लग चुकी है, ये आखिरी काम है बस ये लगा रहे। ये नंबर प्लेट भी लग गई है, अभी गाड़ी की लुक्स इस नंबर प्लेट की वजह से बहुत अच्छी हो गई है। बाकी हाँ, ये नाम हटवाना, ये याद आ गया मुझे, नाम देख के नाम मैं हटवा रहा हूँ गाड़ी से, शीशा ब्लैक ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी बस निकल रहे, फारिग हो चुके हैं यहाँ से, और भूख लगी है, कुछ रास्ते में खाते हैं, वरना घर जाके खाते हैं, बहुत बड़ा दर्द हो गया। और बाकी गाड़ी के फ्रंट शीशा फुल डार्क हो चुका है, ये जो ये वाली लाइट से कलरफुल अच्छी नहीं लगती है, मैं फिर रिमोट से चेंज कर लेता हूँ। बाकी एंटीना और ये बाकी गाड़ी की लुक्स है। चलो बॉयज़, ये भी उतर गया फाइनली, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरी गाड़ी। चलो बस बस हम फारिग हो गए, अभी निकलते हैं यहाँ से, काम वाम हो गए, फारिग हो गए, थक गए बहुत ज़्यादा, 3 बजे के आए हुए थे और अभी तकरीबन 7 बजे, 7:30, 5-6 घंटे हम लोग इधर लग गए, बस अभी घर चल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, गाड़ी सर्विस मैं अभी नहीं कराऊंगा, गाड़ी का क्योंकि ट्यूनिंग का काम है, उसके बाद ही सर्विस कराएंगे। तो खैर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।